अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जाइंस। इस वीडियो में हम VS कोड को विंडोज मशीन में इंस्टॉल करेंगे, उसकी बेसिक यूजेज का तरीका का देखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। VS कोड को विंडोज में इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल क्रोम को ओपन कर लें और VS स्पेस कोड लिख के सर्च करें। फर्स्ट सर्च रिजल्ट होगी कोड डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम। इस पर क्लिक कर लें और यहाँ से अपने सिस्टम के लिए, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो डायरेक्ट क्लिक कर दें, विंडोज़ इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ से, क्योंकि हम पहली वीडियो में फ्री डाउनलोड मैनेजर को सेटअप कर चुके हुए हैं, तो इसने डाउनलोड को कैच कर लिया है और यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आप विंडोज़ यूज़र नहीं हैं तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से अपने जो सिस्टम है उसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेंगे। मैक ओएस वाले यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और लिनक्स वाले अपनी रिस्पेक्टिव जो डाउनलोड है उसको डाउनलोड कर लेंगे। विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम की बेस पे जो डाउनलोड बटन है उसको बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही शो करेगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र होंगे तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा होगा, मैक यूज़र होंगे तो डाउनलोड फॉर मैक आ रहा होगा, और अगर लिनक्स यूज़र होंगे तो डाउनलोड फॉर लिनक्स आ रहा होगा। तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डिटेक्ट करेगी कि आप किस सिस्टम के यूज़र हैं और उस बेस पे आपको डाउनलोड बटन दिखाएगी। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करें और किसी भी सिस्टम टाइप के लिए उसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लें। यहाँ पे जो हमारा जो इंस्टॉलर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं इसकी डाउनलोड होने का वेट करूँगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इंस्टॉलर को स्टार्ट कर लूँगा। इसे मैं क्लोज कर दूँगा और यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आपने इन दोनों ऑप्शंस को ज़रूर चेक मार्क कर लेना। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मैं इस टैब को क्लोज कर दूंगा और इसे मिनिमाइज कर लूंगा। ये विजुअल स्टूडियो कोड को, जो कि कोड एडिटर है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमें विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे टॉप पे नजर आने लग पड़ेगा। मैं इसकी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट करूंगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मेरे लिए कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको चेक मार्क ही रहने दूंगा और फिनिश पे क्लिक करूंगा। जैसे ही उस पर मैंने फिनिश पे क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज पे क्लिक कर दूंगा और ये लुक आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड की आएगी जब आप उसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे। थोड़ी बहुत अगर चेंज हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उसमें अपडेशन आ गई होगी। इस चीज़ को मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे इसे भी मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो था विजुअल स्टूडियो कोड को विंडोज मशीन में इंस्टॉल करने का। नेक्स्ट मैं आपको इसके बेसिक जो ऑप्शंस हैं उनके मुतालिक बताऊंगा। ये जो आइकॉन है ये एक्सप्लोरर का आइकॉन है। जब आप किसी फोल्डर को या फाइल को VS कोड में ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इस साइड बार में वो चीज़ शो हो रही होगी। मैं अभी एक डेमो फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें। ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। यहाँ से मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा, VS कोड टेस्ट, और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाम है वो चेंज होके मेरे फोल्डर का नाम हो चुका है। यहाँ पे जब भी आपके पास ये अलर्ट आया करे, इस पे चेक मार्क करें, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, इसको चेक कर दें। यहाँ पर नई फाइल क्रिएट करने के लिए इस फोल्डर में आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और जो भी फाइल आप रखना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे और उसकी एक्सटेंशन डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन को लिख देंगे। एंटर करेंगे तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैं विंडोज एक्सप्लोरर में आऊँगा और
मैंने क्योंकि ये फोल्डर डाउनलोड्स में क्रिएट किया है, यहाँ पर जाके मैं, ये फोल्डर है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मैं वापस VS कोड में आऊँगा और यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करूँगा। एक और तरीका जो फाइल क्रिएट करने का, एक तरीका हमने देखा यहाँ पर क्लिक करके, एक और तरीका है यहाँ पे राइट क्लिक करें साइड बार में और न्यू फाइल इस पर क्लिक करें। मैं इस दफ़ा इसका नाम रखूँगा style.css, एंटर करूँगा। यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई, साइड बार में हमें शो हो रही है। मैं Alt प्लस टैब प्रेस करके यहाँ पे इस फोल्डर में आऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइल यहाँ पे भी क्रिएट हो चुकी है। मैं वापस VS कोड में आऊँगा और लास्टली एक फोल्डर यहाँ पे अब क्रिएट करूँगा। फोल्डर यहाँ पे फाइल आइकॉन के साथ ही आइकॉन है फोल्डर, न्यू फोल्डर का, उस पर क्लिक करूँगा और ये मुझसे फोल्डर का नाम पूछेगा। मैं यहाँ पर एसेट्स इस फोल्डर का नाम दे देगा, एंटर करूँगा तो ये फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गए। अभी इस फोल्डर में कोई फाइल नहीं है तो इस वजह से हमें यहाँ पे कोई चीज़ इसके अंदर शो नहीं हो रही। मैं यहाँ पे वापस विंडोज़ एक्सप्लोरर में आऊँगा तो ये फोल्डर यहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है और अभी के लिए एम्प्टी फोल्डर है। मैं वापस इसमें आऊँगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट वे बताऊँगा कि आप फोल्डर और उसके अंदर फाइल डायरेक्टली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस फोल्डर पे, जहाँ पर मैं एक फाइल नेस्टेड फोल्डर में क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं उसको सिलेक्ट रखूँगा और दोनों तरीके वैलिड हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके या डायरेक्टली इस पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक कर दूं, या फिर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आइकॉन में न्यू फाइल पे क्लिक कर दूं और फिर पहले मैं फोल्डर का नाम लिख लूं, उसके बाद क्योंकि मैंने इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर सेव करना है तो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश उसको इंसर्ट करूं और फिर फाइल का नाम app.js एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले इसने इसमें एक JS का फोल्डर बनाया और JS के फोल्डर के अंदर इसने यहाँ पर app.js बनाई। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये ब्रेड क्रम्स आ रहे हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि पूरा पाथ क्या है। सबसे पहले एसेट्स का फोल्डर है, फिर उसमें JS का फोल्डर है और उसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल है। मैं अगर JS पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये JS का फोल्डर सिलेक्टेड हो गया। यहाँ से मैं जो भी फाइल चाहूँ, जो जो इस JS के फोल्डर में अवेलेबल होगी, उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ये फाइल के आइकॉन्स हैं इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो नेक्स्ट टैब हम स्टडी करेंगे वो है ये एक्सटेंशंस का टैब। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप VS कोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन जो फ्री अवेलेबल हैं पब्लिक यूज़ के लिए, उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो एक्सटेंशन जो कि आइकॉन्स के लिए यूज़ होती है वो है VS कोड। आप इसको लिख के सर्च करेंगे, एंटर कर दें या सिर्फ टाइप करेंगे, टाइप बेस्ड सर्च है। आप जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे ये उसको सर्च करता जाएगा। मैंने VS कोड लिख के सर्च किया, ये फर्स्ट एक्सटेंशन आ रही है, इसके 15 मिलियन डाउनलोड्स हैं। मैं इसकी इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सिलेक्टेड होके इसकी मुझे डिस्क्रिप्शन डिटेल यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके हर एक एक्सटेंशन की डिटेल वो शो करवा देते हैं, उसको यूज़ करने का, एक गिफ्ट को यूज़ करते हुए उसको यूज़ करने का तरीका भी शो कर देते हैं और बाकी भी जो भी उसकी डिटेल होती है उसको शो कर देते हैं। जैसे ही ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये एक अलर्ट आ गया है जिसमें कि मुझे दो जो एक्सटेंशन जो कि फाइल आइकॉन्स को हैंडल कर सकती हैं, एक ये जो VS कोड की बाय डिफॉल्ट है जो कि अभी यूज़ हो रही थी वो शो हो रही है, और दूसरी ये VS कोड्स हैं। मैं यहाँ पे अभी के लिए इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा, अभी के लिए मैं डिफॉल्ट पे ही क्लिक कर दूंगा और वापस यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक्सप्लोरर के टैब में वापस आ गया कि जो ऐप के आइकॉन्स हैं वो आपके सामने है। JS के लिए JS का वर्ड है, HTML के लिए लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल है, और CSS की फाइल के लिए हैश का टैग है। मैं कंट्रोल शिफ्ट पी एंटर करूंगा, ये कमांड पैलेट ओपन करने के लिए यूज होती है। इसको लाने का दूसरा तरीकाकार ये है कि आप व्यू पे क्लिक करें और कमांड पैलेट, ये यहाँ पे आप शॉर्टकट देख सकते हैं वो ही शॉर्टकट है, इस पे क्लिक करें ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आइकॉन्स सर्च करूंगा तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का मतलब है कि ये जो VS कोड है
इस सॉफ्टवेयर की प्रेफरेंसेस, इसकी सेटिंग, उसमें फाइल आइकॉन थीम, इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपके पास फिर वही ऑप्शन ओपन हो गया है जो कि पहले में आया था। यहाँ से अब मैं वीएस कोड आइकॉन्स पे क्लिक कर दूंगा जो मैंने एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल किया, तो आप देख सकते हैं कि उसी के साथ जो आइकॉन्स हैं वो फाइल के चेंज हो गए हैं, फाइल फोल्डर सबके आइकॉन्स चेंज हो गए हैं। आइकॉन्स के लिए मैं ये एक्सटेंशन यूज करना पसंद करता हूँ। उसके बाद मैं आपको वीएस कोड में थीम चेंज करने का तरीका बताता हूँ। आप फिर कमांड पैलेट को ओपन करें, कंट्रोल शिफ्ट पी और थीम लिख के सर्च करें। जैसे ही आप थीम लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास फिर ऑप्शन आ रहा है प्रेफरेंसेस और उसमें कलर थीम, इस पे क्लिक करें। मैं पर्सनली डार्क प्लस थीम या डार्क मॉडर्न, ये दोनों मुझे पर्सनली पसंद है। इनमें से रैंडमली मैं मोस्टली या तो डार्क प्लस को यूज़ कर रहा होता हूँ या डार्क मॉडर्न को। अगर आप देखें कि जो आपका वीएस कोड है उसका जो थीम है वो मैच नहीं कर रहा जो थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे, यहाँ पे थीम लिख के सर्च करेंगे, प्रेफरेंसेस कलर थीम पे क्लिक करेंगे और डार्क प्लस थीम, ये मोस्ट टाइम मैं यही यूज़ कर रहा होता हूँ, जिसमें कि जो ये बॉटम बार है वो ब्लूइश शेड में चली जाती है और जो बाकी कलर्स भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चुभने वाले नहीं होते, काफ़ी डिलाइटफुल होते हैं। तो इस पे डार्क प्लस पे क्लिक करके इसको कर लें, आइकॉन्स आपके सेट हो गए और थीम सेट हो गया। इसके अलावा जो बाकी एक्सटेंशंस हैं वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपने किसी स्पेसिफिक एक्सटेंशन के मुतालिक मुझसे पूछना है कि एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करने का और उसको यूज़ करने का तरीका कार क्या है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं उस पर वीडियो बना के उसको भी इस सीरीज में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे वीएस कोड में एम्बेडेड टर्मिनल से। वीएस कोड में जब आप काम कर रहे हो तो वीएस कोड के अंदर ही आपके पास एक टर्मिनल अवेलेबल है जिसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है न्यू टर्मिनल। इसकी जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट और ये बैकटिक का साइन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल बेसिकली ओपन होगा और ये ऑटोमेटिकली जो फोल्डर आपने वीएस कोड में, ये मैं मेन फोल्डर की बात कर रहा हूँ, उस जहाँ पे ओपन है डायरेक्टली उस पाथ तक नेविगेट करके आ जाएगा। मैं यहाँ पर अगर ls लिखकर टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टरी मुझे बता रहा है जिस डायरेक्टरी तक है और उसमें जो जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनका मुझे बता रहा है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा और यहाँ से ये फाइल्स भी क्लोज कर दूंगा। ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि आप वीएस कोड को विंडोज पीसी पे किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं आपको एक लास्ट चीज बताऊंगा कि आप किसी भी जो फोल्डर है उसको डायरेक्ट वीएस कोड में कैसे ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी फोल्डर को विंडोज एक्सप्लोरर में ओपन कर लें और वहां पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विथ कोड, इसका मतलब है कि ओपन इन वीएस कोड। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फोल्डर वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। एक तरीका कार ये है। दूसरा तरीका कार, अगर आप टर्मिनल यूजर हैं या गिट बैश या सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट यूजर हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, उस फोल्डर तक आ जाएं और यहाँ पर सीएमडी लिखकर एंटर करेंगे तो इस फोल्डर में ये कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कोड लिखें, स्पेस देकर डॉट दबाएं, डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी, एंटर करेंगे तो ये दूसरा तरीका है कि आप उस फोल्डर को डायरेक्टली वीएस कोड में ओपन कर लें। तो ये छोटी सी ट्रिक थी कि आप किसी भी फोल्डर को डायरेक्टली वीएस कोड में कैसे ओपन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि आप वीएस कोड को विंडोज में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वीएस कोड का थीम किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसका जो फाइल आइकॉन थीम है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा किसी भी फोल्डर को वीएस कोड में किस तरह ओपन कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel